गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आज इतना अच्छा दिन निकला है और आज मैं चला हूँ सिन नंबर लेने। एंड गाइस, आपको सब कुछ बताऊँगा इसका क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है और विदाउट ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करो। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसमें टाइम लगेगा। अगर अभी आप अप्लाई करोगे, जैसे आप जाओगे सर्विस कैनेडा सेंटर, तो मैं तो अपने लोकेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस कैनेडा सेंटर बहुत ज़्यादा है लोग गाइस। एंड आज देखो गाइस, धूप भी है और मौसम भी बहुत अच्छा है, और इधर देखो बहुत अच्छा है गाइस। एंड आज गाइस मैं जा रहा हूँ सिन नंबर लेने, एंड अभी मेरी बस नहीं आई, पता नहीं क्या चक्कर है, लेट क्यों है। चलो गाइस, स्टे ट्यून्ड, वहाँ जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं अपने लोकेशन पे अराइव्ड हो चुका हूँ और उधर थोड़ा सा आगे जाके सर्विस कैनेडा सेंटर है। अब मैं आ चुका हूँ बस में, ट्रैवल कर रहा था, मतलब कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाइज मेरा बस का, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस गाइज, क्या बताऊँगा आपको। तो गाइज मिलते हैं, अब वहाँ पहुँच के आपको सब कुछ बताऊँगा और सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि सिम का क्या चक्कर है, कितने टाइम पर मिलता है। ओके गाइज, टेक केयर, वहाँ पे मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो मैंने अभी जस्ट सिम नंबर लिया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मेरे को दो घंटे लगे क्योंकि मैं लेट हो गया था। 8:30 ऑफिस खुल जाता है, बट उसके पहले भी लाइन लग जाती है गाइस। जब मैं गया था वहाँ पे तो बहुत आगे थी, लाइक पीछे था मैं बहुत, तो आगे बहुत सारे जो भी थे स्टूडेंट्स थे इंटरनेशनल और वर्क परमिट के लिए भी थे, तो अच्छा है, सही है, बट वेट करना पड़ा और बाद में चलो सिम नंबर मिल गया। और गाइस इधर मैंने, अब एक आंटी थी उनको इंग्लिश नहीं आती थी, चलो उनकी मैंने मदद की, और जो भी सिम नंबर उन्होंने भी लेना था तो कहते चलो मेरी मदद करते, मैंने कहा चलो ठीक है ओके। उनके पहले मैंने मदद करके फिर बाद में मैंने अपना सिम नंबर लिया। और गाइस मेरे को पता नहीं, रूल थोड़े चेंज हुए शायद, मेरे को इतना नहीं पता, बस मैंने मैम से पूछा था कि हम 20 आवर से ज़्यादा काम कर सकते, पर पता नहीं गाइस उन्होंने कहा कि यू कैन, फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि 20 आवर्स हम विद इन अ वीक काम कर सकते हैं, लाइक हमारा होता है जो सिन नंबर, बस इसके बारे में मेरे को अभी श्योरिटी नहीं है। तो जस्ट गाइज, अब तो सब कुछ हो गया है, बैंक का भी हो गया है, स्कॉशिया बैंक का भी हो चुका है, और सब कुछ जो भी होता है यहाँ का कार्ड कूड गाइज बहुत सही है। और सबसे पहले जब आओगे कैनेडा तो गाइज ये 4 चीज़ें ज़रूर करना, एक प्रेस्टो का कार्ड बनाना, सिन नंबर लेना, और स्कॉशिया बैंक अकाउंट खोल लेना, और क्या कहते हैं एक और था, पता नहीं गाइज याद नहीं आ रहा मेरे को, बट गाइज अच्छा मैं एक और बताता हूँ गाइज आपको, स्कॉशिया बैंक का क्या सीन होता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो गाइज मेरा क्या सीन हुआ कि मैंने अपॉइंटमेंट ली नहीं, सीधा मैं गया, मैंने चलो अपॉइंटमेंट लेने जा रहा था मैं उधर बैंक में, बट क्या हुआ वहाँ पे, फिर मैंने जस्ट उनको बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट माई अकाउंट, तो वहाँ से वो उठ के अंदर गए उनको पूछने, हम कहते आप वेट करो वहाँ पे, मैं पूछ आती हूँ, और फिर वहाँ पे वो पूछ के आए मैम से और वाहेगुरु जी की कृपा सी कि पंजाबी मैम मिली, एंड उन्होंने क्या कहते हैं मेरे अंडरस्टैंड किया लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि हाँ वेट करते हैं, और क्या कहते हैं 3:30 की अपॉइंटमेंट थी किसी की, बट मैं वहाँ पे लाइक अच्छे टाइम में पहुँच गया था, मतलब बिफोर 30 मिनट्स, तो मैम कहती चलो मैं थोड़ी सी फ्री हूँ तो चलो इनको इनका काम करवा देती हूँ। एंड गाइस बहुत अच्छी मैम थी, स्कॉशिया बैंक यहाँ पे क्वींस STE यहाँ पे स्कॉशिया बैंक है इस वाली लोकेशन पे, ब्रैम्पटन ओंटारियो में। एंड गाइस अगर आप वहाँ पे जाओगे तो अगर आप वो मैम को मिलोगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील करोगे, लाइक बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया
स्कॉशिया बैंक का क्या क्या सीन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बस सब कुछ ऑल ओके है। एंड आ जाओ जल्दी जो आना चाह रहे हैं कैनेडा गाइस, ब्रैम्पटन बहुत अच्छा है। और देख रहे हो गाइस ऑल ओके। एंड गाइस स्टे ट्यून्ड, आगे और वीडियोस बनाता रहूँगा। और मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब इधर कनाडा आते हो आपको चार चीज़ें करनी होती है, मेरे को एक चीज़ याद नहीं आ रही, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आपको टोटली सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या करना है। चलो गाइस ओके, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, ओके बाय गाइस।